कुलभूषण जाधव का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में गूंजा। एकजुट होकर सभी दलों ने पाकिस्तान की निंदा की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा और राज्यसभा में पाकिस्तान को आईना दिखाया और पाकिस्तान पर जमकर बरसी। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के परिवार के साथ की गई बदसलूकी को लेकर संसद में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए वहां गए उनकी मां और उनकी पत्नी के साथ इस्लामाबाद में किए गए बुरे बर्ताव की संसद के दोनों सदनों में कड़ी निंदा की गई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए एक बयान में कहा कि इस मुलाकात में जाधव के परिवार वालों के मानवाधिकारों का पूरी तरह उल्लंघन किया गया और उन्हें भयभीत करने वाला वातावरण वहां पैदा किया गया, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सुषमा के बयान का सभी विपक्षी दलों ने समर्थन किया और संसद में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तानी प्रेस को न केवल परिवार के समीप आने का मौका दिया गया, बल्कि उन्हें तरह तरह के अपशब्दों से संबोधित करके परेशान भी किया गया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें ताने उलाने दिए गए और उनके सामने श्री जाधव को जबरन आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया। सुषमा ने कहा कि पाकिस्तान जाधव की उनकी मां और पत्नी से मुलाकात को मानवतापूर्ण संकेत के तौर पर प्रदर्शित कर रहा था, लेकिन सच तो यह है कि मानवता और सद्भाव के नाम पर हुई इस मुलाकात में से मानवता भी गायब थी और सद्भाव भी। 22 महीने बाद एक माँ की अपने बेटे से और एक पत्नी की अपने पति से होने वाली भाव भरी भेंट को पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। अध्यक्ष जी, परसों विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी स्थिति सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट कर दी थी और कल, अभी जो कल बीता है, उस कल में हमने इस मुलाकात से उपजी आपत्तियों को अपने राजनयिक माध्यमों के जरिए से पाकिस्तान को बता दिया। सुषमा ने बताया कि जाधव की मां अपने बेटे से मराठी में बात करना चाहती थी, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। उस दौरान वहां बैठे दो पाकिस्तानी अधिकारियों ने लगातार उन्हें टोका और जब जाधव की मां और पत्नी अपनी बात पर डटी रही तो उनका इंटरकॉम बंद कर दिया गया ताकि बातचीत आगे न बढ़ पाए। जाधव की मां अपने बेटे से मराठी में बात करना चाहती थी क्योंकि स्वाभाविक रूप से मां और बेटे के लिए अपनी मातृभाषा में ही बात करना सुविधाजनक होता है, किंतु श्री जाधव की मां को मराठी में बातचीत करने की इजाजत नहीं दी गई और मीटिंग में साथ बैठी दो पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा लगातार उन्हें रोका गया, लेकिन जब वो अपनी बात पर डटी रही तो उनका इंटरकॉम बंद कर दिया गया ताकि बातचीत हो ही। सुषमा ने कहा कि उनकी बिंदी, चूड़ी और मंगलसूत्र उतरवाए जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि ये उनके सुहाग चिन्ह हैं और इन्हें उन्होंने कभी नहीं उतारा है, इसलिए ये ना निकलवाए जाएं। इस पर पाकिस्तानी अधिकारी ने जवाब दिया कि वो तो उन्हें मिले आदेश का पालन कर रही हैं। जाधव की मां ने उन्हें बताया कि जब वो अपने बेटे के सामने पहुंची तो मां को ऐसे बिना बिंदी और चूड़ी के देख जाधव ने पहला सवाल किया, बाबा कैसे हैं? जाधव को भी मां को ऐसे देख लगा कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। उन्होंने कहा कि जाधव की मां हमेशा साड़ी पहनती हैं, लेकिन उन्हें वहां सलवार कमीज पहनाई गई। अध्यक्ष जी, सुरक्षा के नाम पर परिवार के सदस्यों के कपड़े तक बदलवा दिए गए और पहनने के लिए अपनी ओर से वस्त्र दिए गए। श्री जाधव की मां जो केवल साड़ी पहनती हैं, उन्हें साड़ी के बजाय सलवार कुर्ता पहनने के लिए मजबूर किया गया। और जब वो मेरा मंगलसूत्र उतरवा रही थी तो मैंने उससे कहा, ये मेरे सुहाग का चिन्ह है, मैं कभी आज तक इसको उतारती नहीं, इसको रहने दे। तो उसने कहा, जी मैं तो हुक्म बजा रही हूँ, मुझे जिस तरह का हुक्म दिया गया है मैं उससे अलग नहीं कर सकती, मैं तो उतरवाऊंगी। हालांकि सुषमा स्वराज ने कहा कि कुलभूषण जाधव की फांसी रुकवाने में हम सफल रहे, हम जाधव के परिवार से लगातार संपर्क में हैं, हम समस्या के स्थायी हल के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। दिल्ली से राहुल डबास के साथ संतोष पाठक की रिपोर्ट।